नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बीकर लिया हुआ था और उसमें कुछ पानी सा भरा था और ऊपर एक हैंड ग्लव्स लगा था, तो कुछ रिएक्शंस हो रही थी और हैंड ग्लव्स फूल रहा था, तो ऐसा कैसे हो गया इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हुआ कि हैंड ग्लव्स फूल गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगा। ये जो मैंने वीडियो बनाया था इस पर अब तक 1000 व्यूज, जी हाँ 1000 व्यूज आ चुके हैं और यह आंकड़ा इसी प्रकार बढ़ता रहे इसकी मुझे उम्मीद है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं यदि कोई नई वीडियो बनाता हूँ तो वह वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ग्लव्स फूला। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो में दिखाया था, मेरे पास एक बीकर था जिसमें मैंने ये कुछ पानी ऐसा भर दिया था, लेकिन आपको बता दूं यह पानी नहीं, जी हाँ यह पानी नहीं है, यह है विनेगर। वही विनेगर जो चाउमीन में यूज किया जाता है और अन्य सामग्रियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, कई लोग इसे शेका भी कहते हैं। दूसरा, जो मैंने ग्लव्स लिया था उसमें भी मैंने कुछ भरा था और वह था खाने का सोडा, खाने का सोडा जिसे कई लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। तो खाने के सोडा को जब मैंने विनेगर में मिलाया, जो आपको पानी जैसा दिख रहा था मैंने उस विनेगर में मिलाया, तो रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन से कौन सी गैस उत्पन्न हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने का नाम लिया था वे बिल्कुल सही थे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी जिससे कि वो जो ग्लव्स था वह फूल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के अन्य कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका यह था, आप चाहें तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो आसानी से मेडिकल स्टोर्स में मिल जाता है और जब इनो को पानी में मिलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हम घर बैठे बहुत आसान तरीके से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।